गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। केवल इंटरनेट से जुड़ने मात्र से ही हम इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते। इन सुविधाओं का उपयोग करने और विभिन्न वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमको हमारे पास विशेष सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है, उसे वेब ब्राउजर या ब्राउजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से हम वेब पेज पर उपलब्ध किसी भी जानकारी को सर्च कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। नेटस्केप, नेविगेटर, मोजैक, क्रोम आदि प्रमुख वेब ब्राउजर के एग्जांपल हैं। लोग अधिकतर क्या यूज करते हैं? गूगल क्रोम यूज करते हैं या मोजैक यूज करते हैं। एक्सप्लोरर का उपयोग करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को सबसे पहले क्या करते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम में इंटरनेट प्रोग्राम पर हम लोग क्या करते हैं? क्लिक कर देते हैं, जिससे जो है वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाती है जिसका नाम हमने होम पेज के रूप में दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और ओले का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एक प्रोग्राम में तैयार की गई इंफॉर्मेशन को अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में बनी फाइल में पेस्ट करें तो इस प्रकार कॉपी की गई नई इंफॉर्मेशन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में पेस्ट की जाए तो यह पेस्ट किया गया ऑब्जेक्ट एम्बेडेड डॉक्यूमेंट कहलाता है। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। साधारण कॉपी पेस्ट में हम केवल सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार भेजी गई इंफॉर्मेशन नए प्रोग्राम में भी केवल एक साधारण सूचना मात्र रहती है, इंफॉर्मेशन ही मात्र रहती है। इसे हम एम्बेडेड ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक प्रोग्राम में बनी इंफॉर्मेशन को किसी अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम में बने डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से पेस्ट किया जाए कि वह उस पर क्लिक करने से उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट किया जा सके, तो इस स्थिति में यह इंफॉर्मेशन एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सेल की फाइल बनाई, ठीक है, और उसको एमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स में एम्बेडेड कर दिया। क्या कर दिया? एम्बेड कर दिया। अब हम वर्ल्ड या एक्सेल के स्थान पर किसी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम कैसे इस पर काम करेंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ लिंक ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी डॉक्यूमेंट्स में डाला गया ऑब्जेक्ट जो अपने मूल सोर्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स में जुड़ा हो लिस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट में यदि हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट में भी अपने आप चेंज हो जाता है। इस प्रकार इसका उल्टा भी संभव है, अर्थात ऑब्जेक्ट के माध्यम से मूल इंफॉर्मेशन को परिवर्तित किया जा सकता है। किसी सूचना को लिस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करने की प्रक्रिया भी यही है। हमने ऑब्जेक्ट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बताता हूँ आपको, चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है,
पैकेज ले लिया था। नेट होना चाहिए,
कर रखे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर और की वेबसाइट ओपन हो रही है। इस प्रकार से हम वेब ब्राउजर पे वर्क करते को एक्सेस हम लोग इसको